Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे देश में ही स्थित एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। ये राज्य भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर होने के कारण ये काफी गर्म रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केरल। ये राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी की दिशाओं में स्थित अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों केरल हमारे भारत देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और ये अपने लोकप्रिय हिल स्टेशन, बेहद ही शानदार बैक वाटर, नारियल के पेड़, दूर दूर तक फैली चाय की बगान और भव्य चाय संपदा, नीला अरब सागर और केरल में स्थित प्राचीन सभ्यता के सहरे कला और संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए दोस्तों जानते हैं केरल से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में। दोस्तों अगर बात करें केरल के राजकीय पशु के बारे में तो यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। इसके अलावा यहाँ का नेशनल फ्लावर कनिकोन्ना है और राजकीय वृक्ष नारियल है। दोस्तों आज के समय में आप जिसे केरल के नाम से जानते हैं उस राज्य को पहले के समय में त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद 1 जुलाई साल 1949 ईस्वी के बाद इस नाम को बदलकर केरल कर दिया गया। दोस्तों अगर बात करें केरल की कैपिटल के बारे में तो इस राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और क्षेत्रफल के नजरिए से केरल का सबसे बड़ा जिला पलक्कड़ है और सबसे छोटे जिले में अल्फुजा का नाम आता है। दोस्तों केरल की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस देश में पूरे 118 स्तनधारियों की प्रजातियां, 500 से भी ज्यादा अलग अलग पंछियों की प्रजातियां, 189 मछलियों की प्रजातियां और 173 रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां देखने को मिल जाती है। दोस्तों केरल में मसाले के बड़े बड़े बगान होने के कारण इस राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केरल का मुख्य उद्योग काजू और चाय है। इसके अलावा कॉफी, रबड़, सुपारी, नारियल, केला, चावल, अदरक, काली मिर्च, गन्ना और भी कई सारे तरह की सब्जियां पैदा करी जाती है। इसके साथ ही केरल पूरे भारत को 91% रबर उत्पाद करके देता है। इसके अलावा इस राज्य के प्रमुख खनिजों में इल्मेनाइट, मोनाजाइट और रटल है। दोस्तों पूरे केरल में 44 नदियां पाई जाती है, जिसमें से 41 नदियां पश्चिम में और बाकी के बचे 3 नदियां पूर्व की दिशाओं में बहती है। इसके अलावा केरल 18वीं सदी से पहले इसके एक तिहाई हिस्सों में पूरे जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मात्र 1/4 हिस्सा ही जंगल रह गया है। इसके साथ ही यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ 2695 मीटर की है और इस पहाड़ का नाम अनामुदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केरल के मुख्य त्योहारों में ओनम, विशु, क्रिसमस और महाशिवरात्रि है। वहीं इस राज्य की मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथकली है। इसके साथ ही दोस्तों कोची केरल का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल पूरे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है और केरलीय आयुर्वेदिक परंपरा पुराने काल के प्राचीन समय से चलता आ रहा है। यही कारण है कि केरल पूरे दुनिया भर में अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा शैली की वजह से दूर दूर तक जाना जाता है, जिसमें से केरल राज्य में 10,000 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के मामलों में केरल में सबसे ज्यादा साक्षर लोग रहते हैं और केरल की साक्षरता दर 96% की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि केरल में रहने वाले नागरिकों के पास उनकी खुद की जमीन है और उसी जमीन पर उनके सपनों का घर भी, और यहाँ पर रहने वाले आधे से ज्यादा आबादी अपने कृषि के ऊपर निर्भर करती है और चावल केरल की सबसे मुख्य फसल के साथ साथ यहाँ का मुख्य भोजन भी है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के मुख्य पड़ोसी राज्य के बारे में तो तमिलनाडु और कर्नाटक है और इस राज्य में आधिकारिक रूप से मलयालम बोली और समझी जाती है। दोस्तों अगर बात करें केरल के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये राज्य पूरे 38,863 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके साथ ही केरल की पूरी पॉपुलेशन 3,58,00,000 लोग यहाँ पर अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों केरल में पूरे पॉपुलेशन का 56% आबादी हिंदू धर्म को मानता है और 25% आबादी मुस्लिम धर्म और 19.6% आबादी ईसाई है और बाकी के बचे यहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग भी रहते हैं। दोस्तों यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि केरल में कन्या भ्रूण हत्या जैसा कुछ भी नहीं होता है और इस राज्य में 1000 पुरुषों पर 158 महिलाएं हैं। दोस्तों केरल में सबरीमाला के नाम से एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल मौजूद है जहां पर आप काफी सारे एशियाई हाथी को देख सकते हैं और केरल की सांस्कृतिक इन्हीं हाथियों के साथ जुड़ी हुई है। केरल प्रकृति की सुंदरताओं से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में अलग अलग देशों से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और जिन लोगों को प्रकृति से बहुत ही ज्यादा लगाव है उनके लिए केरल स्वर्ग से कम नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थी केरल से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको केरल का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।